भगत मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा, ओ माय कम्युनिटी इज़राइलियों, मैं माउंटेन पे जा रहा हूं फॉर 40 डेज, 40 दिन के लिए ऊपर जा रहा हूं, तन्हाई चाहिए, थोड़ा सा खलबत, मैं कुछ 40 दिन के लिए मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। तो देखा उनकी कौम बछड़ी की पूजा कर रही, गुमराह हो गई। बस यही तरह जो चाहो सुनिए, मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाश करो, मेरा तो मौला जो उम्मत अब शुक्र इलाही बजा रहा हूं। कौम बनी इसराइल का अजीम तरीन नबी अपनी कौम से अपनी उम्मत से सिर्फ 40 दिन दूर रहा, पूरी कौम गुमराह हो गई, नबी की सहबत की महरूमियत, नबी को न देख पाना, दीदारे नबी ना होना, 40 दिन में सिर्फ 40 दिन में गुमराह हो गए। लेकिन उम्मत रसूल अपनी किस्मत पे नाश कर, तू 1400 बरस से नहीं देख रहा है, जैसे ही सेक्युलर फोर्सेस को पता चला कि नबी 40 दिन के लिए नजरों से दूर है, तो 40 दिन को इन्होंने गनीमत समझा और बहकाने के लिए चेवल में समझा। तो फिर उसी बछड़े में अपनी करतूत शामिल करके गुमराह करने की कोशिश की, तो शैतानों ने समझ लिया किसी को गुमराह करना हो तो 40 दिन के लिए अपने पास रख लो। किसी को बुरा मत कहो, न यूरोप न अमरीका न एशिया न अफ्रीका, सिर्फ दो ही स्कूल है, दो ही पावर है, एक अल्लाह वालों का पावर, एक सेक्रेटरी फोर्सेस। इसी सेक्रेटरी फोर्सेस को इब्राहिम के जमाने में नमरूद कहा गया, इसी सेक्रेटरी फोर्सेस को मेरे नबी के जमाने में रूजे नबूलह कहा गया, सिद्दीक अकबर के जमाने में सेक्रेटरी फोर्सेस को मुल्की ने जकात कहा गया। ये सेक्रेटरी फोर्सेस इस्लाम के अमन को, इस्लाम के पीस को, इस्लाम के हकी पैगाम को, इस्लाम की अमन पसंदी को, इस्लाम में नूर तौहीद को ये बर्दाश्त नहीं कर सके। जिनका मजहब बर्बाद हो चुका हो वो कामयाब मजहब नहीं देख सकते, जो झोपड़ों में रहते हो वो महल की जीनत नहीं देख सकते, जो कसरत में गुम हो गए हो वो हजरत का नूर नहीं देख सकते, जो जमानत में दबे हो वो सदाकत क्या जाने, जो बुजदिली के शिकार है वो अदालत क्या जाने, अरे जो मर मर के जी रहे हैं वो सहावत क्या जाने। नबी तो बर्दाश्त कर सकी, न इस्लाम तो बर्दाश्त कर सकी, न सहाबाए कराम तो बर्दाश्त कर सकी। आप देख रहे हैं आज भी ये सारी ताकतें हमारे अंदर खुश, न जाने कैसे कैसे हमें गुमराह करने के लिए सेक्रेटरी फोर्सेस ने हम किया। आप देख रहे हैं अभी नबी करीम ने आप बन के इस तरह से काम का फिजला सामने आए, देखा कि सिद्दीक अकबर कामयाबी के साथ गुजरते जा रहे हैं, तो उस्मान गनी को जुर्मन को फर्क शहीद कर दिया गया। सेक्रेटरी फोर्सेस ने अली मुर्तजा की जिंदगी पर हमसे हयात को तंग कर दिया। सेक्रेटरी फोर्सेस ने यजीद के सामने खड़े होकर के इमाम हुसैन को ललकारा, मेरे रब का ये करम है कि अगर शैतान अपनी मक्कारियों से हमें डिस्टर्ब करता है तो रब का करम ही हमें बचाने के लिए रूहानी फोर्सेस भी भेजता, रूहानी फोर्सेस भी हमारे साथ है। इसीलिए चाह नमरूद ने चाह कि हम बदल दे, इब्राहिम ने बचाया, जब उनकी ने जकात के बदलना चाह सिद्दीक अकबर ने बचाया, जब बलवाइयों
के लिए हुसैन इब्ने अली साहब आ जाते हैं और जहां वो मजार के बचाने के लिए हमारे मुतकल्लिमीन सामने आते हैं वो मामून की शरणगेसियों से बचाने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल आते हैं सैक्टरी फोर्स से चलते रहे हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश जिसे आप जानते हैं ये बड़े सही है हिंदुओं का इसके अंदर उस वक्त तहरीक चलने लगी जब इस्लामी ताकत सिमट रही थी जब मुगलिया दौर खत्म हो रहा था जब मुगलिया दौर का आखिरी चरा बहादुर शाह बाबर के दौर में आया नतीजा ये हुआ कि फिर सैक्टरी फोर्सेज ने मुगलियों को खरीदना शुरू किया जो कभी किताबुत तौहीद में छुपा था उसे कभी तो ईमान में छापा गया जो गंदगी अरब के नजदों में थी वो दिल्ली की शाहराहों पर लाई गई नतीजा की पूरा हिंदुस्तान